तो कैसे हैं आप? माय नेम इज AKA सुरेश मिठाई वाला। तो बात करते हैं बिना पंखों वाले पापा के मगरमच्छ थगेश की। हाई मॉरल वैल्यूज विद लो एफर्ट कंटेंट। बात तो सही है। तो यार थगेश की रोस्टिंग का कुछ ऐसा हाल है, उसको रोस्ट करने के बाद जनता को ये बताना पड़ता है कि ये रोस्ट था। इतनी तो बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप नहीं होती जितना कि थगेश की हर वीडियो में उसके जोक्स। थगेश का कंटेंट भी इसके नाम की तरह ही है, अगर इसके नाम से फर्स्ट लेटर को हटा दिया जाए। अबे साले, थगेश भाई यूट्यूब पर 4 चैनल रन करते हैं, पर भाई अच्छा कंटेंट ज्यादा चैनल बनाने से नहीं आता। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। थगेश के यूट्यूब पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन सिर्फ 4 सब्सक्राइबर्स ही रियल है। थगेश भाई खुद में ही इतना उलझे हुए हैं, उनको वीडियोस में लाफिंग साउंड इफेक्ट डालकर जनता को ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर हंसना था। मैं पता है थगेश में और राहुल गांधी में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों की ही बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। थगेश भाई 26 का होने के बावजूद आज भी छठी के जोक मारकर पहले खुद हंसता है, फिर साउंड इफेक्ट लगाता है। तो यार मैंने गूगल पे सर्च किया टॉप फ्लॉप रोस्टर इन दी वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट। पर भाई मुझे तो लगा तू यूट्यूबर है। यार जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, थगेश भाई हमारे थोड़े से कंजूस टाइप के हैं। मगर क्यों? लेकिन थगेश भाई यूट्यूब से तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, कम से कम उसमें तो जोक डालने की कंजूसी ना करो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। यार यही थी एक प्यार मोहब्बत वाली छोटी सी वीडियो। थगेश भाई मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है, और जाते जाते उनकी तारीफ में ये दो लाइन। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थगेश भाई हमारे इतने डूबे हुए जोक्स मारते हैं कि उन्हें मार के बेचारे AD पद्मोस का करियर ही।